नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस हफ्ते के मेहमान हैं छाऊ के सशक्त कलाकार, मजबूत कलाकार पंडित सशाधर आचार्य जी। पिछले हिस्से में हमने छाऊ नृत्य के बारे में बहुत विस्तार से उनसे बात की और अब उनके व्यक्तिगत सफर के बारे में बातचीत करते हैं इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में। इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में मैं आपसे पहला सवाल जो पूछना चाहूंगा पंडित जी, कि आपका पृथ्वी थिएटर जाना, मतलब अपनी अपनी जगह से बाहर जाना, पृथ्वी थिएटर के लिए जाना, मुंबई जाना, वो कितना बड़ा एक एक, एक कलाकार को जो विस्तार मिलता है उस लिहाज से अगर पूछा जाए तो वो कितना इम्पोर्टेंट रहा? देखिए, मैं जब अपना पूरा खत्म किया, मतलब सीख लिया, और सीखने के बाद फिर मैंने देखा कि मेरे छोटी सी जगह में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं इसको कैसे आगे ले जाऊं। तो उन दौरान मेरे पिताजी के अंडर में एक लड़की आई थी, प्रकृति काश्यप बोल के, वो लड़की बॉम्बे की थी, इंडियन पोस्ट में लिखती थी वो, और पढ़ी लिखी थी, भरतनाट्यम डांसर थी। और वो लड़की आई थी छाऊ पे, कपिला जी ने उसको टॉपिक दिया था, छाऊ पे, छाऊ के ऊपर पीएचडी कर रही थी। ठीक है, वो मेरे पिताजी के पास भेजे थे कपिला जी ने। तो मेरे पिता हमारे घर में रहती थी, वो घर में रहती थी, तो ऐसे बात होता था। तो मैंने बोला कि देखो, इस छोटी सी जगह में मैं क्या कर पाऊंगा अगर मैं सीख के भी, तो कहता कि क्यों नहीं तुम बॉम्बे चलते हो। मैंने कहा चलते, तो मेरे को एक सहारा मिल गया, तो मैंने बॉम्बे उसके साथ निकल गया। ठीक है, निकलने के बाद मैंने भुलाभाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट में, और आशा पारेख जी की इंस्टीट्यूशन है वालकेश्वर में, वहां मैंने काम किया। लेकिन मुझे सेटिस्फाइड नहीं लगा, मुझे लगा कि यार मैं ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ चाहूँ और अपना पेट भर रहा हूँ, वो एक अलग चीज है, लेकिन मुझे कुछ करना है। तो अचानक एक बार क्या हुआ कि ऐसे काम करते करते भुलाभाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट में बिना पानी चावला आई थी। उन्होंने मुझे कहा कि, और उनको किसी ने कहा था कि वो एक लड़का है वहां, वो छाऊ सिखा रहा है, आप जरा एक बार देखिए। उनको एक इंग्लिश प्ले करना था। उन्होंने क्या कहा कि एक काम करो, ये जो मूवमेंट तुम कर रहे हो ना, इस मूवमेंट को हमारे नाटक में डाल सकते हो। मैंने कहा हाँ मैडम, क्यों नहीं। तो मैं उनके साथ एसोसिएट होकर फिर उनका वो प्ले की कोरियोग्राफी किया, और वो प्ले एनएसडी के डायरेक्टर उस वक्त थे रतन थ्याम सर, और सुरेश अवस्थी जी थे चेयरमैन। ठीक है, इन दोनों को उन्होंने इनवाइट किया देखने के लिए। तो वहां पृथ्वी थिएटर में वो नाटक हुआ। नाटक जैसे ही खत्म हो गया तो रतन थ्याम सर ने मैडम को बोले कि मुझे वो लड़का दिखाओ जो लड़का इसकी कोरियोग्राफी किया है। तो मैडम ने मुझे आगे कर दिया, बिना पानी चावला मैडम को जिंदगी भर भूल नहीं सकता हूँ। उन्होंने मुझे आगे कर दिया, आगे करके बोले कि यही लड़का है। तो अवस्थी जी मेरे फादर को जानते थे, उन्होंने कहा ये तो गुरु का बेटा है, ये तो गुरु का बेटा है। तो उन्होंने कहा कि यू वांट टू कम टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मैं खुश हो गया, मैंने सोचा कि शायद मेरा एडमिशन हो जाएगा, मैं एक्टिंग का कोर्स करूंगा, 3 साल का कोर्स था मुझे, मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सर, मैं आ जाऊंगा। मैं आ गया तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया, सब कुछ किया, फिर मैं वहां से दिल्ली आया। मैंने आशा जी पारेख को बोला कि मैम मैं ऐसे जाना चाहता हूँ, और मैं एक बार एनएसडी में, शायद मुझे डायरेक्टर साहब ने कहा है कुछ हो जाएगा, तो कहते जाओ। तो चला आया। आने के बाद यहाँ जब गया तो मुझे उन्होंने कहा कि जो मूवमेंट तुमने वहां दिखाया था वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे तब, ये मुकुल नाग, कार्तिक अवस्थी, ये लोग सेकेंड ईयर में पढ़ते थे, मेरे को याद है अभी, है ना। उस उन्होंने कहा कि इनको दिखाओ। तो मैंने वो डेमो करके उनको दिखाया, और छाव की कुछ चीजें, कुछ डायलॉग बोल के दिखाया छाव की मूवमेंट में। तो उन्होंने कहा ठीक है, हो गया, लेके चले गए। मुझे कारण जी भी थे, शाह साहब थे, सब लोग थे, सब कुछ बुलाया था दिखाने के लिए। तो लेके गए, और लेके जाके मुझे उन्होंने अपने रूम में चाय पिलाया, और चाय पिला के चिट्ठी दे दिया कि टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल टेक क्लासेस ऑफ सेकंड ईयर। मैं तब से लेकर आज तक सेकंड ईयर में ही क्लास ले रहा हूं। ये मैं रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को यहाँ बताना चाहूंगा कि भारतीय रंगमंच का जो इतिहास है और वो आज जिस जगह पर है वहां पर, उसमें रतन थ्याम का बहुत बड़ा योगदान है। आप जो अपने एनएसडी के दिनों को याद कर रहे थे वो, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। तो उसके मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैं फिर करण जी के साथ, फिर शाह साहब के साथ, और भी बहुत सारे डायरेक्टर आए, इंटरनेशनल आए, नेशनल आए, सबके साथ मैंने प्ले में काम करना शुरू किया। फिर मेरी रुझान ना, मैंने इंडिया, इंडियन
क्लासिकल थिएटर की तरफ चला गया, क्योंकि मैंने जब मूवमेंट का काम किया करण सर के साथ, तो करण सर ने हमेशा संस्कृत नाटकों को चुना और चुन के उन्होंने किया, चाहे वो कालिदास का हो, भवभूति का हो, भास का हो, दिंगनाक का हो, है ना, किसी का भी वो नाटक लेके और उसके साथ जो मूवमेंट को खेल कर देखिए, उससे पहले मूवमेंट होता कहाँ था, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया, इंडिया में कहाँ था मूवमेंट, खाली डायलॉग बोलते थे ड्रामा में, है ना, और बड़ी बड़ी हाथ कर देते थे, लेकिन ये जो मूवमेंट का आया, ये जो मूवमेंट का एक मूवमेंट चला और उसमें जो करण जी का देन है, करण सर का, मैं तो कहता हूँ कि देखिए, फिर बाद में बंसी कोल जी ने भी स्टार्ट किया सेम पैटर्न में, सेम नाटक करने के लिए, अब हाँ गौर कीजिए, वो एकदम बिल्कुल इक्वल चला और बहुत अच्छा लगा, फिर तो प्रवीर गुहा निकल गए, फिर कलकत्ता से भी निकल गए काफी लोग, पहले मूवमेंट नहीं था, जब एनएसडी में हमने छाऊ स्टार्ट किया तो बहुत लिमिटेड काम होता था मूवमेंट के ऊपर, आज तो ऐसा हो गया है कि हर एक्टर को छाऊ सीखना पड़ता ही है, चाहे वो प्राइवेट में जा रहा है, चाहे मैं एफटीएम में पढ़ाता हूँ फिल्म पुणे में, ठीक है, वहाँ हर साल में मेरा 1.5 महीने की क्लास होती है, एक्टर के लिए होती है ना, तो उनके लिए तो शूट करता हूँ मैं, उनके लिए तो कैमरा फेस करता करवाता हूँ, तो ये एक अलग अलग चीजें हैं, मैं अपनी छऊ को बचाने की पॉसिबिलिटी ढूंढा कि ये कैसे बचेगा, है ना, उसी पॉसिबिलिटी में मैं, मेरे को थिएटर मिला और मैंने थिएटर को छोड़ा ही नहीं, पकड़ के रखा जबरदस्त मजबूत से कि नहीं इसको नहीं छोड़ना है, इसको छोड़ देंगे तो छऊ की पहचान मेरे को मिलेगी नहीं। अच्छा आज देखिए थिएटर के कारण पूरी भारतवर्ष में जितनी स्टेट है, हर स्टेट में एनएसडी से मैंने वर्कशॉप किया है, हर स्टेट में छऊ को जानते हैं, मतलब ऐसा नहीं जानते, जानते हैं कि वो थिएटर के लिए बहुत जरूरी है, बताइए कितनी बड़ी चीज है ये, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आने वाला जो पीढ़ी है ना, वो केवल छऊ के ऊपर मत रहे, उसको उसको किस तरह से हम यूटिलाइज कर एक नए चीजों की उद्भावन कर सकते हैं और एक अलग स्ट्रीम से लाके कुछ, देखिए बेसिकली क्या, आर्टिस्ट को सरवाइव करना है तो इनकम करना होगा, तो इनकम करना है तो ठग के नहीं करना है, मेहनत करके करना है आपको, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए, थिएटर डिपार्टमेंट में पढ़ाइए, ड्रामा स्कूल में पढ़ाइए, अभी ऐसा कोई ड्रामा स्कूल नहीं है जहां मैं नहीं जाता हूँ, बताइए, तो क्यों, क्योंकि हमने उस चीज को एक ऐसा स्टार्ट किया और ऐसा एक पंच दिया कि सबको लगा कि नहीं भाई ये तो एक्टर के लिए बहुत अच्छा चीज है, ये तो हर बॉडी को बिल्कुल अलग कर देता है, बॉडी की ट्यूनिंग हो जाती है, बॉडी स्टेमिना बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बैलेंस बन जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो इसलिए अब वो एक्टर को, मैं कहता हूँ ना, जब पहले मैं एनएसडी गया ना, मतलब आज से 10-15 साल की पहले, वो जब जिम नहीं आई थी, जिम आई ना, जिम हमारे यहाँ लग गया, तो एक दिन मैं सुबह सुबह क्लास में पहुंचा, 5-7 लड़के खूब जिम कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटा इधर आ, हाँ बोलो सर, मैंने कहा ये जो तुम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो मुझे बताओ, तो नहीं सर वो जिम में ना मसल्स वगैरह सब ठीक हो जाता है, मैंने कहा बेटा ये अननेचुरल स्ट्रेच है, तुम नेचुरल स्ट्रेच करो जो जिंदगी भर रहेगा, मैं आज 63 इयर्स का हूँ, जितनी मेरे में स्ट्रेंथ है, जितनी मजबूत से मैं नाच रहा हूँ, अगर मैं जिम करा होता तो मैं उतना नहीं नाच पाता, क्योंकि एक समय आता है जिम का जिसे मसल झुला देता है, तो इसीलिए मैंने बच्चों को, आज आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी कभार अगर एक्टर घुस जाए तो घुस जाए जिम में, कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है, क्यों, उनको पता चल गया, ये चीजें बहुत। एक सवाल मेरा और है दादा, कि एक तो है कि मुझे छाऊ सीखना है, और एक ये है कि चूंकि मैं एक्टिंग करना है और एक्टिंग में मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और दिस चाहिए और दैट चाहिए, इसलिए मैं छाऊ सीख लेता हूँ। इतने साल से आप सिखा रहे हैं, जो आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है, उनकी प्रायोरिटी छाऊ है या चूंकि उनके अभिनय के लिए छाऊ जरूरी है इसलिए वो सीख रहे हैं? देखिये दो तरह के स्टूडेंट आते हैं, एक तो डांस के लिए आते हैं और एक थिएटर के लिए आते हैं, मेरे पास दोनों तरह के स्टूडेंट आते हैं, जो डांस के लिए आते हैं वो तो पूर्ण समर्पित रहते हैं डांस के लिए, ठीक है, और जो थिएटर के लिए आते हैं, मैं एक चीज बोलता हूँ, जैसे अभी देखिए मैं इतनी बातें करा, आपने मुझे कहा कि आप जरा कम हिलिए, आप जरा कम हाथ हिलाइए, आपने कहा ना, तो क्या होता है कि अगर आप कोई चीज को एक्सप्रेस करना चाहते हो ना तो स्टैटिक में नहीं होगा, बॉडी अगर फ्लेक्सिबल है, बॉडी अगर चलन में आता है, तब आपकी एक्टिंग ज्यादा उभर कर निकलती है। अगर मुझे किसी को मारना है तो मैं हाथ बांध के बोलूंगा मैं तुमको मार दूंगा, नहीं होगा, मारने के लिए आपको एक्शन चाहिए और एक्शन के लिए बॉडी, अगर बॉडी आपका तैयार है तो आपको बिना बोले हुए आपकी माइंड आपको इंस्ट्रक्ट करा कि ये मूवमेंट तू कर, तो उससे ज्यादा मतलब उससे ज्यादा ऑडियंस को सहूलियत होती है समझने में। अभी मैं कहूंगा कि मैं रो रहा हूं या मैं हंस रहा हूं,
नेचुरली खड़ा होकर नहीं बोल सकता, मैं हंस रहा हूं, मैं रो रहा हूं, नहीं बोल सकता, मुझे करना होगा कुछ तो एक्शन। तो वो एक्शन अगर आप सीख गए तो आपको एक्टिंग में इजी होता है, इसीलिए मूवमेंट एक एक्टर को जरूरी है। दादा एक चीज और बताइए, जो बहुत समय से लड़ाई चल रही है कि भारत में जो शास्त्रीय नृत्य का जो तमगा मिला हुआ है, जो टैग है या जो पदवी है, कथक के पास है, कथकली में है, भरतनाट्यम में है, छाऊ को लेकर अभी कुछ स्थिति बिल्कुल साफ हो पाई है क्या? मैं एक बात बताऊं, मुझे अपने डांस को क्लासिकल नहीं बनाना है, क्लासिकल शब्द हमारा नहीं है, हमारा शास्त्रीय है, ठीक है। एक दूसरा चीज है, आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी डांस फॉर्म निकली है, हर डांस फॉर्म की जन्मदाता थिएटर है जी, केवल डांस थिएटर से निकला डांस, ठीक है। मेरा बोलने का यही है कि जब हम कहते हैं कि क्लासिकल फोक, इससे ना थोड़ा स्वभाव चरित्र में थोड़ा ऊंची नीची हो जाती है ना, वो कलाकार के अंदर में नहीं डालना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, कला आपको सुंदर लगती है, कला आपको देखने योग्य है, कला आपको सुनने योग्य है, तो वो कला है, उसे वो कला। और एक बात मैं बताता हूँ, तो 12वीं शताब्दी से, मैंने क्या बोला 1205 से लेकर अभी तक, अगर 1000 साल हुआ, आज एक कला बची हुई है तो वो ज्यादा क्लासिकल है या वो ज्यादा शास्त्रीय है, या जो कल पैदा हुआ है वो शास्त्रीय है, मुझे बता दीजिए। ठीक, सिर्फ आप बोलेंगे 2 2 में 4, ठीक है, मुझे मालूम है कि 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ये छऊ में भी है। लेकिन मैं सुनिए, केवल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने योग्य अगर हम नाच को बना देंगे ना, तो नाच नहीं होगा, पढ़ने योग्य होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की थिएटर डिपार्टमेंट्स और NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फर्क है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बच्चा पास आउट होने के बाद यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ाएगा, यूनिवर्सिटी का बच्चा पास आउट होने के बाद नेशनल स्कूल ड्रामा में नहीं पढ़ा पाएगा। सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं होता है, आपको प्रैक्टिकल करना है, और प्रैक्टिकल करने के लिए इन दायरों का कोई जॉब नहीं है। चलिए, मेरा मन करेगा आज मैं नाचूंगा, मेरा मन नहीं करेगा नहीं नाचूंगा। आप मेरे को 8 से 10 का ड्यूटी कराएंगे, 5 से सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे मैं ड्यूटी करूंगा, क्यों करूंगा? मैं, मेरा मन करता है मैं आज नाचूंगा, मेरा मन नहीं करेगा मैं नहीं नाचूंगा, क्यों? आज मेरा मन नहीं है नाचने के लिए, आप दोस्त नचवा देंगे मेरे को। ये कला है कि मन, कहते ना कि कलाकार की मनोस्थिति के ऊपर परफॉर्मेंस का हुआ है। आज 200 हम लोग करते हैं NSD में, नाटक होती है 200, 100 बहुत अच्छा होता है, 100 बहुत खराब जाता है, क्यों? इसका कारण है कि पहला शो में उसका मनोस्थिति एक्टर का बहुत बढ़िया था, सेकंड शो में वो थक गया हो, किसी भी कारण से कुछ भी हुआ हो, उसका मनोस्थिति नीचे चला गया और उसका कैरेक्टर नीचे चला जाएगा हट से। इसलिए कहते हैं ना कि कला को ऊंचा नीचा मत कीजिए। मैं तो अभी भी साफ उसमें नहीं हूँ कि मेरी कला क्लासिकल हो जाए, मैं नहीं चाहता। मेरा कला आपको सुंदर लग रहा है, चेन्नई में लोग मुझे पूछते हैं जब परफॉर्मेंस करता हूँ ना, मैंने कृष्ण गणेश सभा में जितनी सभा है सब में लेकडम किया हूँ, सब में मेरे को यही क्वेश्चन पूछा था कि छऊ क्लासिकल है क्या? मैंने कहा कि मुझे एक चीज बताइए, छऊ देखने में ठीक है ना, हाँ, छऊ शास्त्रीयता है ना, ठीक है, छऊ आपको अच्छा लगता है, मन को अच्छा खुश करता है ना, करता है,
तो फिर आपको क्या चाहिए, इस टैग से क्या मिलना है मुझे? कुछ नहीं मिलना है। और यूनिवर्सिटी में देखिए, यूनिवर्सिटी बुरा नहीं है, डिग्री डिप्लोमा बुरा नहीं है, मैं बुरा नहीं करता हूँ, लेकिन डिग्री डिप्लोमा से कला की शिक्षा नहीं होती है, गुरु शिष्य परंपरा से कला की शिक्षा होती है। जैसे मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ, मेरे को याद पड़ गया, बचपन में छोटे में मेरे पिताजी जब मेरे को सुलाते थे तो गाना गाते थे, और वो गाना कैसे गाते थे मालूम है? वो गाना छाऊ में था, तो बाद में जाके मेरे को पता चला कि ये गाना छाऊ में है। तो बताइए, बचपन से एक इंजेक्शन उन्होंने मारा था, क्या था? आ जन्न मामू शरद शशि मकानु हाथरे पड़ रे खसी दे दे का दे दे का दे। देखिए, ये जो रिदम बचपन से मेरे कान में गया है, ये मर जाऊंगा तब तक नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। यही है गुरु शिष्य परंपरा। हमारी कलाओं को अगर सुरक्षित रखना है सबसे ज्यादा, तो गुरु शिष्य परंपरा को वापस आना चाहिए। अभी हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है, ऐसे बात नहीं है। और गुरु के साथ रह के सीखने का मजा कुछ अलग है, गुरु से डिटेच होके सीखने का मजा कुछ अलग है। मैं चाहता हूं कि गुरु के साथ रह के सीखो तो कुछ मिलेगा, नहीं तो नाचोगे, नाचना हो जाएगा, और नृत्य के अंदर जब कुछ नहीं मिलने वाला है। आज जितने ही बड़े बड़े लोग हमारे नाच रहे हैं, अब उनको देखिए, इतने साल जब नाचने के बाद वो कहाँ ले जाते हैं हमको, कहाँ ले जाते हैं? कोई जरूरत नहीं है, कोई कैमरे की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज और मुझे बहुत खराब लग रहा है, क्या मालूम है, ये जो लाइट की व्यवस्था हो गई ना, ये लाइट ये हमारे कलाओं के लिए नहीं है। हमारे कला कम से कम लाइट ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है। ये जो आजकल की लाइट निकली है ना, लोग सोचते हैं कि ये लाइट देख के कोरियोग्राफी, भाई लाइट से थोड़ी कोरियोग्राफी होता है, डांस की कोरियोग्राफी करो ना, डांस को बताओ ना, डांस में क्या अहमियत है बताओ ना। तो वो सबसे बड़ी चीज है, कम लाइट में कम चीजों को अच्छा दिखाओ, ये हमारी कला है। कला हमारी सीमित नहीं है, बहुत है, दुनिया में कहीं ऐसा जगह नहीं है जिस जैसे भारतवर्ष है। भारतवर्ष की विविधता जवाब नहीं, और कलाओं की जवाब नहीं। हर एक कला अपने आप में एक अलग है, अलग एक्सप्रेशन देता है, अलग भाषा बोलता है, अलग डायमेंशन लेके चलता है हमको। इसलिए कला को संजो कर रखना है, अपने साथ रखना है। मैं एक बात और बोलता हूं कि जब तक आप कला को अपने बच्चे की तरह गोद में रखोगे, तब तक आपके बॉडी में कला रहेगा। जिस दिन आप डिटेच कर दोगे, वो कला चला जाएगा, आप भी खत्म हो जाएंगे और कला भी खत्म हो जाएगा। बहुत ही सकारात्मक मोड़ पर हम इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। आपने समय निकाला पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं भी कि जो ये नृत्य शैली है, इस नृत्य शैली का खूब प्रचार प्रसार हो और उसमें आपका जो योगदान है वो और मजबूत हो और सशक्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।